उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य अब किसी भी तारीफ या परिचय की मोहताज नहीं है। अगर आप गूगल पर सिर्फ ज्योति लिखेंगे तो पहला प्रेडिक्शन ज्योति मौर्य ही आएगा, क्योंकि एसडीएम साहिबा ने कारनामा ही सुर्खियां बटोरने वाला किया है। अब बताया जा रहा है कि इस एसडीएम मामले में उत्तर प्रदेश के फायर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है और सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य से इस्तीफा लेने की भी मांग तेज हो चुकी है। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ से अपने इस पूरे मामले को निपटाने की गुहार लगाई। शिकायत दर्ज होने के बाद अब बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस मामले को अतिशीघ्र निपटाने का आदेश दिया है। आपको संक्षेप में समझाते हैं कि आखिर मामला क्या है। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की वैवाहिक जीवन में अनबन चल रही थी। ज्योति मौर्य अपने पति से तलाक लेना चाहती है, मगर पति का कहना है कि ज्योति मौर्य किसी और के साथ संबंध में है, इसलिए वो तलाक लेना चाहती है। तो वहीं ज्योति मौर्य का आरोप ये है कि आलोक को उनसे झूठ बोलकर शादी किया। झूठ ये था कि आलोक खुद को एक बड़ा पदाधिकारी बतलाते थे, मगर वो एक सफाई कर्मचारी निकले। और आलोक का कहना है कि ज्योति मौर्य के एसडीएम बनने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ज्योति की पढ़ाई करवाई, जिसके बाद ज्योति आज एसडीएम बन सकी है। बहरहाल एसडीएम मामले में योगी आदित्यनाथ के एंट्री होने के बाद से अब ये कयास लगाया जा रहा है कि इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य पर सोशल मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जहां आलोक मौर्य की तुलना शौर्यवंशम फिल्म के हीरा ठाकुर से किया जा रहा है। TNN वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूं।